वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पूजा पूजा तो हमने यहाँ घूमने आए हैं मेला, तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, हमारे यहाँ रिफ्यूजी कॉलोनी में हर साल मनसा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही जोरों शोरों से। देख सकते हैं, मैं हर एक मूर्ति दिखाऊंगी आप लोगों को, माँ की प्रतिमा। और यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनसा पूजा मनाया जाता है, जैसे कि दुर्गा पूजा वगैरह होती है उस तरह से। तो यहाँ देखिए खिचड़ी प्रसाद बट रहा है, तो मैंने भी अपना हाथ भरा लिया, मेरी मम्मी भी ले ली, मैं भी ले ली खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी था। ये भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद है, ये देख सकते हैं एक और प्रतिमा। तो बहुत सारी प्रतिमा मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगी, तब तक पहले मैं चलूँगी ये गर्मा गर्म खिचड़ी खा लेती हूँ जो कि मैंने लिया है। तो बहुत ही गर्म खिचड़ी था गाइस, तो इसलिए मैं धीरे धीरे उसको फूंक मार मार के खा रही थी। खिचड़ी बहुत ही टेस्टी था गाइस, और भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद की तो बात ही कुछ और होती है, मतलब कि एक अलग ही मतलब टेस्ट होता है प्रसादी में। तो हम लोगों ने जल्दी से खाया, फिर अगले मिशन की ओर निकल गए। मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित होती है, देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। आइसक्रीम, गुपचुप, चाट, चाउमीन, खिलौना, मतलब कि जो होते हैं मेला में सारा चीज़ यहाँ पे था। मतलब कि छोटे से गांव में मतलब कि इतना मेला लगना, और वो भी हर साल मनसा पूजा में ऐसी ही भीड़ होती है। और मतलब कि जो बाहर में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली चले गए हैं शादी करके या फिर कहीं भी चले गए हैं, तो वो लोग इस दिन ज़रूर आते हैं मेला घूमने के लिए और माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है अपनी कॉलोनी में। फिर मैंने आर्टिफिशियल मेहंदी वाली को देखा तो मेरा मन नहीं रहा गया, तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं मेहंदी लगा लूं। तो फिर मैं मेहंदी लगाने को चली आई, क्योंकि कल रक्षाबंधन भी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेहंदी लगा लूं, रक्षाबंधन में भी काम आ जाएगा। तो मैं मेहंदी लगाने आ गया। मैं बचपन में बहुत ये सारी मेहंदी लगाया करती थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था डिज़ाइन वगैरह बनाने, तो फिर मैं मेले में आती थी और इस तरह की मेहंदी लगाती थी। और फिर मैंने अपनी बहन को भी पूछा, क्या तुमको भी मेहंदी लगाना है? तो वो तो पहले ना ना कर रही थी कि उसको नहीं लगाना है, फिर उसका भी मन नहीं रह गया, तो वो भी अपने एक हाथों में लगा ली। और अब मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे मिट्टी के पुतले। ये मछली, ये रहा खरगोश, जैसे कि मुझे बोल रहे कि मुझे भी खरीद लो, मुझे यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो। बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें मतलब कि मेला में बहुत बिकता है और दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन में बहुत खरीदती थी, पर अब तो बड़ी हो गई हूँ तो क्या ही काम है ये सब चीज़ को, लेकिन जहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जोरों शोरों से मतलब कि गाना हो जाना डांस वगैरह हो रहा था, और मैं टकराते टकराते बज गई थी, इसलिए मैं हंस रही थी बहुत। और यहाँ देखिए दो सहेलियों की हंसी, बाप रे बाप कितनी हंसी खुशी, मतलब क्या ही बोले। दोनों का मैंने फ़ोटो भी खींच दिया। और यहाँ देखिए हम लोग गुपचुप खाने आ गए, फिर मतलब कि हम लोगों ने मेला में बहुत खाना पीना किया है, मेला का फुल इस्तेमाल किया हम लोगों ने। आइए देखिए पत्ती से लगी पड़ी हुई है, गुपचुप क्या खाएगी। तो फिर हम लोगों ने गुपचुप खाया, गुपचुप खाने के बाद हम लोग फिर वापस घर चले गए। तो आप लोगों को जितनी भी प्रतिमा हम लोगों ने देखी है तो आप लोग को दिखा दूँगी मैं वीडियो के लास्ट में, देख लीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ भैया के लिए चाट लिया, चाउमीन लिया और फिर घर वापस आ गई। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।